हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की, आप अपनी वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइबर कैसे गेन कर सकते हैं। यूट्यूब की न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम तथा 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए एक साल के अंदर, तभी आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको 9 टिप्स देने वाला हूँ, आपको इसे ध्यान से समझना है और फॉलो करना है। ओके, पहला है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि ट्रेंडिंग टॉपिक सिलेक्ट करना है और आपको उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड कर देना है, ताकि सर्च इंजन में आपका वीडियो रैंक में आए और आपके वीडियो तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें, ताकि आपके वीडियो को अच्छा वॉच टाइम मिल जाए। दूसरा है थंबनेल। आपका थंबनेल मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, टाइटल के हिसाब से आपको अपना थंबनेल रखना है। अगर आप वीडियो में कुछ और तथा थंबनेल में कुछ और रखते हैं, इससे आपके वीडियो को व्यूज तो मिल जाएगा पर वॉच टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यूअर्स वीडियो कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग चाहेंगे, जो कि वीडियो में नहीं मिलेगा, तो वो वीडियो को 10 से 15 सेकंड में ही छोड़ देंगे। आपका तीसरा है इंट्रो। आपको अपने चैनल का इंट्रो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, 4 से 5 सेकेंड ही रखना है। अगर आप 20 से 30 सेकेंड तक इंट्रो ही लगा देते हैं तो व्यूअर्स आपकी वीडियो को स्किप करके किसी और वीडियो पे चले जाते हैं, जहां उन्हें जो चाहिए होता जल्द से जल्द मिल सके। इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड तक ही रखना है। और चौथा है प्लेलिस्ट। आपको अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में कैटेगराइज करना है, ताकि व्यूअर्स को उस प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो सजेस्टेड वीडियो में मिल जाए और व्यूअर्स आपके उस वीडियो को हो सकता है वॉच कर ले, इससे भी आपका वॉच टाइम बढ़ सकता है। पांचवा है वीडियो लेंथ। आपको वीडियो लेंथ उतनी ही रखनी है जितनी की जरूरत हो, ये ना हो कि आपने बेवजह वीडियो को खींच कर लंबा बना लिया, इससे व्यूअर्स को बोरियत होती है और वो आपका वीडियो 30 सेकेंड या 1 मिनट तक जाते जाते छोड़ देता है। छठवां है एडिटिंग। आपको वीडियो की एडिटिंग एकदम प्रोफेशनल तरीके से करनी है, व्यूअर्स को बोरियत ना हो, क्योंकि व्यूअर्स को हर चीज़ में मसाला चाहिए, इसलिए अच्छे से एडिट करना है। आपका वीडियो एकदम मसालेदार एकदम मज़ेदार होनी चाहिए। उसके बाद है सातवां वीडियो क्वालिटी। आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कैसे भी शूट कर लिया और उसे डाल दिया, वीडियो क्वालिटी अच्छी न होने के कारण न चाहते हुए व्यूअर्स को अपनी वीडियो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे या तो सब दिखाई नहीं देता है या समझ नहीं आता है। उसके बाद आपका है आठवां है साउंड क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी की तरह ही साउंड क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, हो सके तो ऐसी जगह पे वीडियो बनाएं जहां ज़्यादा नॉइज ना हो और एक अच्छी माइक का प्रयोग करें। आपका नौवां है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड के थ्रू आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं और वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी पा सकते हैं। आप ऐसे ही किसी भी वीडियो पे नहीं, इसलिए आपको अपने उस वीडियो को प्रमोट करना है जिसकी ऑडियंस रिटेंशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे ही किसी भी वीडियो को प्रमोशन पे लगाते हैं तो शायद जो लोग देखना ही नहीं चाहते, अगर आप उसे वो चीज़ दिखाएंगे तो हो सकता है आपको उस पर वॉच टाइम न मिले और वीडियो को इसलिए वीडियो को ऑडियंस रिटेंशन के हिसाब से चूज करना है। सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात है, आपको वीडियो के बीच में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलना है, आप इसे वीडियो के स्टार्ट में या एंड में बोल सकते हैं। फर्स्ट 30 सेकंड में आपको अपने वीडियो कंटेंट के बारे में अच्छे से बताना है, ताकि व्यूअर्स को आपकी वीडियो के बारे में पता चल जाए वो किस टॉपिक पे है और वो पूरा देखें। और सबसे जरूरी, अगर आप थोड़े पैसे एफर्ट कर सकते हैं तो ही गूगल एडवर्ड को चूज करें, नहीं तो आपको इसे चूज करने की जरूरत नहीं है। और आप पहले 8 टिप्स को फॉलो करें, डेफिनेटली आपके चैनल पे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हो सकता है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस रेड कलर के बने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही दबाएं इस बेल आइकॉन को, ताकि आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले।